एक समय की बात है, एक बार एक प्रदेश में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह मूर्तिकार पत्थरों से बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। एक दिन उसने मूर्ति बनाने के लिए अच्छे पत्थर की खोज में जंगल की ओर जाने का सोचा। उसके अगले ही दिन वह मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने के औजारों के बक्से के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वह जंगल के मध्य भाग में पहुंचा तो उसने पेड़ के नीचे एक बड़े ही सुंदर से पत्थर को देखा। मूर्तिकार को वह पत्थर मूर्ति बनाने के लिए बहुत सही लगा। उसके बाद मूर्तिकार ने अपने औजारों के बक्से में से हथौड़ा निकाला और उस पत्थर पर चोट करना शुरू कर दी। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर हथौड़े से चोट करना शुरू किया, वह पत्थर जोर जोर से चीखने लगा। वह पत्थर बोला कि मुझे इससे बहुत दर्द होता है, तुम चाहो तो आगे तुम्हें और भी पत्थर मिलेंगे, तुम उससे मूर्तियां बना सकते हो। मूर्तिकार बहुत ही दयालु था, उसे पत्थर पर दया आ गई। उसने उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे निकल गया। जैसे ही मूर्तिकार थोड़ा आगे पहुंचा तो उसे एक और खूबसूरत पत्थर दिखाई दिया। पत्थर को देखने के बाद दोबारा मूर्तिकार ने अपने औजारों का बक्सा खोला और औजार निकाले और उस पत्थर पर हथौड़े से चोट करना शुरू कर दिया और उसने मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे ही मूर्तिकार ने मूर्ति बनाना शुरू किया, उस पत्थर को भी दर्द हुआ, परंतु उसने उस दर्द को सह लिया और वह मूर्तिकार भगवान की एक खूबसूरत सी मूर्ति बनाने में सफल हुआ। मूर्ति बनाते बनाते रात हो चुकी थी, इसलिए मूर्तिकार पास के गांव में रात गुजारने के लिए चला गया। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा गांव में एक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर के बाहर बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। तभी वह मूर्तिकार उस गांव के एक व्यक्ति से पूछता है, क्यों भाई, मंदिर के बाहर इतना भीड़ क्यों है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मंदिर तो बन चुका है, परंतु मूर्ति कहाँ से लाया जाए, उसके बारे में चर्चा चल रही है। तभी उस मूर्तिकार ने गांव वालों से कहा कि उसने कल ही भगवान की एक खूबसूरत सी मूर्ति बनाई है, अगर गांव वाले चाहे तो उस मूर्ति को मंदिर में लाकर स्थापित कर सकते हैं। सरपंच और गांव वाले मूर्तिकार की बात से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने जंगल से उस मूर्ति को लाकर अपने गांव के मंदिर में स्थापित किया। सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसी समय सरपंच के मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि नारियल फोड़ने के लिए भी तो एक पत्थर की आवश्यकता होगी। यह सुनते ही मूर्तिकार ने सरपंच से कहा कि जंगल की दूसरी ओर पेड़ के नीचे एक और पत्थर रखा है, जिसे आप चाहो तो नारियल फोड़ने के लिए मंदिर में रख सकते हो। यह सुनने के बाद गांव वाले जंगल में गए और वहां से पहला पत्थर भी उठा लाए। उसी दिन से उस मंदिर में मूर्तिकार द्वारा बनाए गए भगवान की मूर्ति की पूजा होने लगी और दूसरी ओर उस पहले पत्थर पर सभी लोग पूजा के लिए नारियल को फोड़ने लगे। उस पत्थर को अब हर दिन नारियल फोड़ने के दर्द को सहना पड़ता था। एक दिन उस पहले पत्थर ने दूसरे पत्थर से कहा, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है कि लोग तुम पर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, तुम्हारे आगे सिर झुकाते हैं, और मेरी किस्मत कितनी खराब है कि हर कोई मुझ पर नारियल फोड़ता है, इससे मुझे कितना दर्द होता है और लगता है मुझे हमेशा ही इस दर्द को सहना पड़ेगा। तभी भगवान की मूर्ति वाले पत्थर ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारे जैसे एक पत्थर ही था, लेकिन मूर्तिकार के द्वारा मूर्ति बनाने के समय सभी दुख कष्ट को सहन कर लिया और आज मैं इस जगह पर हूँ। उस पहले वाले पत्थर को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें कठोर परिश्रम की जरूरत होती है। बिना दुख कष्ट के कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। याद रहे, अगर आपकी सफलता के रास्ते में मुश्किलें हैं तो आप सही रास्ते में हैं। इसीलिए तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। दोस्तों, जीवन में अगर संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते। बिना कड़ी मेहनत के जो सफलता पाई जाती है वह महत्वहीन होती है, आज नहीं तो कल वह आपको असंतोष ही देगी। परिस्थितियों से जूझते हुए, कठिनाइयों से लड़ते हुए यदि हिम्मत न हारी जाए तो मिलने वाली सफलता का आनंद ही कुछ और होता है। इसीलिए दोस्तों, यदि आप कुछ हटकर करना चाहते हैं तो आज ही पॉजिटिव सोच के साथ थोड़ी सी परेशानियों को झेल लीजिए, थोड़ा सा संघर्ष को कर लीजिए और विश्वास रखिए आपका आने वाला कल एकदम लाजवाब होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।